नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बायोलॉजी में एक नया चैप्टर को देखने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें आज के वीडियो में हम लोग जैव अणु, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, ये सब के बारे में जानेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एग्जामों में अक्सर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसीलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए उसके बाद देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है। तो बताना है कि इनमें से कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन का विखंडन करता है, ठीक है। तो देखिए, प्रोटीन का विखंडन कौन करता है, तो पेप्सिन करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या जाए कि पेप्सिन जो है वो एंजाइम प्रोटीन को विखंडित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। यह आमाशय से निकलने वाले जठर रस में पाया जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कि किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। तो किसकी होती है, तो पेप्सिन की होती है, ठीक है। पेप्सिन एंजाइम को पाचन क्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl की उपस्थिति की आवश्यकता होती है, ठीक है। पेप्सिन एंजाइम भोजन में पाई जाने वाली प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या है कि जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है। तो बताइए कि जीवों में प्रोटीन के निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या हो जाएगा, राइबोसोम हो जाएगा, DNA हो जाएगा, केंद्रक हो जाएगा, या फिर गुणसूत्र हो जाएगा। तो देखिए, जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना का स्रोत क्या होता है, तो DNA होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत DNA यानी कि DOXY-ribonucleic acid होता है, ठीक है। प्रत्येक जीवित कोशिका के लिए अनिवार्य होता है, जो इन कोशिकाओं के गुणसूत्र में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कि वसा के पायसीकरण में सहायक होता है। तो बताना है कि वसा के पायसीकरण में सहायक होता है, क्या होता है, तो पीत लवण होता है, ठीक है। तो वसा के पायसीकरण में क्या सहायक होता है, तो पीत लवण सहायक होता है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या कि इनमें से कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है। तो कौन सा एंजाइम जो है स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है, तो कौन करता है, एमाइलेज करता है, ठीक है। तो देखिए, एमाइलेज जो है वो एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है, या स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज शर्करा में विखंडित कर देता है। मानव लार में एमाइलेज नामक एंजाइम पाई जाती है। उसके बाद देखिए, पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, तो प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है पेप्सिन, ठीक है। उसके बाद ये होता है लाइपेज एंजाइम, तो ये किसका होता है, तो वसा पाचक एंजाइम होता है, ठीक है। ये होता है ट्रिप्सिन, तो ट्रिप्सिन एंजाइम क्या होता है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम का स्रावण जो है वो अग्नाशय के द्वारा होता है, यह भी प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रोटीनों के अमीनो अम्लों में जटिल कार्बोहाइड्रेट की ग्लूकोज में और वसा की वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम डैश में उपस्थित होता है, तो किसमें होता है, तो आंत्र रस में होता है, ठीक है। देखिए, प्रोटीन के अमीनो अम्ल में जटिल कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज में और वसा के रूपांतरण के लिए ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम आंत्र रस में उपस्थित होते हैं। अंततः प्रोटीन टूटकर अमीनो अम्लों में तथा वसा वसी अम्लों में और ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन में, बोलता है कि नीचे दिए गए चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए। निम्न में से कौन सा विकल्प नीले काले रंग की उपस्थिति का कारण की सही व्याख्या करता है, ठीक है। तो यहाँ पे नीले काला रंग जो है किसका व्याख्या करता है, तो देखिए यहाँ पे किसका व्याख्या करता है, तो देखिए आलू के रस में स्टार्च होता है जो आयोडीन मिलाने पर नीला काला हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आलू में मुख्य रूप से स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। खाद्य सामग्री में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन के घोल का उपयोग किया जाता है। जब किसी खाद्य पदार्थों में आयोडीन का घोल डाला जाता है तो वह स्टार्च की उपस्थिति में नीले काले रंग में बदल जाता है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो बताना कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। इसका रासायनिक सूत्र जो है वो क्या होता है, C6H12O6 होता है। यह जल में घुलनशील होता है। यह सजीवों की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत भी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रोटीनों के अमीनो अम्लों में जटिल कार्बोहाइड्रेटों के ग्लूकोज में और वसा के वसा अम्लों और ग्लिसरॉल की अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम डैश में उपस्थित होते हैं, तो किसमें होते हैं, तो आंत्र रस में होते हैं, ठीक है। देखिए क्या कि प्रोटीनों के अमीनो अम्लों में जटिल कार्बोहाइड्रेटों के ग्लूकोज में और वसा के वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम आंत्र रस में उपस्थित होते हैं। आंत्र रस में विभिन्न एंजाइम यानी कि कौन कौन सा होता है, तो लैक्टेज होता है, एरेप्सिन होता है, एमाइलेज होता है, ये सभी पाया जाता है, ठीक है। यह हल्के पीले रंग का होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कि केसिन एक प्रोटीन है, ठीक है, जो डैश में पाया जाता है। तो बताना कि केसिन एक प्रोटीन है, किस में पाया जाता है, तो देखिए केसिन जो प्रोटीन है वो दूध में पाया जाता है, ठीक है। देखिए, प्रोटीन अमीनो अम्ल के यौगिक होते हैं। प्रकृति में 20 से 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है।
प्रोटीन का संगठन, देखिए प्रोटीन का जो संगठन है वो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन तथा सल्फर से होता है। केसिन एक प्रोटीन होता है जो दूध में पाया जाता है। दूध का सफ़ेद रंग केसिन नामक प्रोटीन उपस्थिति के कारण होता है, जबकि गाय के दूध का हल्का पीला रंग बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कि मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, तो कैलोरी का किया जाता है। ठीक है, देखिए कैलोरी ऊर्जा मापन की इकाई होती है। यह मापन की मीटरी पद्धति का अंग होता है और इसके संगत एसआई प्रणाली में अब जूल का प्रयोग किया जाता है, किंतु भोजन में निहित ऊर्जा तथा कुछ अन्य उपयोगों में अब भी कैलोरी का ही उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कि निम्न में से कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है, तो यहाँ पे जैविक उत्प्रेरक बताना कौन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कौन हो जाएगा, एंजाइम हो जाएगा। देखिए एंजाइम एक प्रकार का जैविक उत्प्रेरक होता है जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को बढ़ा देता है। एंजाइम उच्च अनुभार वाली नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिकों अर्थात प्रोटीन होते हैं। ठीक है, इस प्रकार प्रोटीन की प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं एंजाइम कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद जान लीजिए कि एंजाइम शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था, तो क्या था, जर्मन फिजियोलॉजिस्ट विल्हेम कुहने के द्वारा किया गया था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कि फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा आवश्यक है, तो कौन सा शर्करा आवश्यक होता है, तो फ्रक्टोज होता है। ठीक है, देखिए फ्रक्टोज या फिर फ्रूट शुगर भी बोला जाता है। ठीक है, जो कि एक साधारण चीनी होता है जो स्वाभाविक रूप से फल, शहद और गन्ने में होती है, जो इनके मीठेपन के लिए उत्तरदायी होता है। माल्टोज माल्ट द्रवों में, अनाजों, चावल आदि में पाया जाता है। फिर सुक्रोज जो है वो गन्ने यानी कि चीनी तथा उसमें होता है। ठीक है, फिर लैक्टोज है वो दूध में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कि निम्न में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीजों का आधार बनाता है, तो कौन हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। ठीक है, देखिए जंतुओं और वनस्पतियों के निर्माण में कार्बनिक यौगिक प्रमुख होता है। यह हमारे भोजन, दैनिक उपयोग के पदार्थ, यातायात, प्रसाधन सामग्री, विस्फोटक पदार्थ आदि में एक प्रमुख तत्व होता है। सभी जीवों में कार्बन उपस्थित रहता है। कार्बन तत्व सजीवों तथा हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीजों का आधार बनाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कि पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, तो कार्बन होता है। ठीक है, देखिए पादपों में कार्बन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तथा पत्तियों में प्रचुर मात्रा में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। ठीक है, पादपों की वृद्धि एवं उपापचय के लिए नितांत रूप से कुछ ही तत्व अनिवार्य माने जाते हैं जिन्हें दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है। उसके बाद जान लीजिए यहाँ पे देखिए कौन कौन सा दो श्रेणी है, कौन एक होता है वृहद पोषक। ठीक है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम आते हैं। ठीक है, और एक होता है सूक्ष्म पोषक जिसको माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। इसमें लोहा, मैग्नीज, तांबा, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन और निकिल शामिल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कि मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है, तो किससे बना होता है, तो पानी से बना होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कि निम्न में से क्या मैक्रो पोषक तत्व नहीं है, तो इसमें बताना कि कौन है जो मैक्रो पोषक तत्व नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कार्बोहाइड्रेट है, वसा भी है, अमीनो अम्ल भी है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे विटामिन जो है वो मैक्रो पोषक तत्व नहीं है। ठीक है, देखिए विटामिन मैक्रो पोषक तत्व के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, पोषक पदार्थों को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक अम्ल, जल, खनिज तत्व और विटामिन के रूप में बांटा जा सकता है। ठीक है, इसमें से जल तथा खनिज तत्व अकार्बनिक होते हैं और शेष कार्बनिक होते हैं। ठीक है, ऐसे तत्व जिनकी बहुत अधिक मात्रा में शरीर में आवश्यक होता है उन्हें मैक्रो पोषक तत्व कहते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, तथा ऐसे तत्व जिनकी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होता है उसे हम लोग माइक्रो पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, जैसे लवण हो गया, विटामिन हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कि डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे डैश कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो उसे जीन कहा जाता है। ठीक है, देखिए केंद्रक द्रव्य जिसको इंग्लिश में न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है, में केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियस व क्रोमेटिन मिलता है। गोलाकार केंद्रिका केंद्रक द्रव्य में पाई जाती है। अंतरावस्था यानी कि इंटरफेज में केंद्रक में अस्पष्ट न्यूक्लियोप्रोटीन तंतुओं की जालिका मिलती है जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। अवस्थाओं व कोशिकाओं कोशिका विभाजन के समय केंद्रक के स्थान पर गुणसूत्र संरचना दिखाई पड़ती है। क्वेश्चन देखिएगा कि जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है, तो बताइए कि जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है, तो क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, देखिए जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ये प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, डीएनए आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाते हैं।
कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जालिका के धागे अलग होकर कई छोटी और मोटी छद जैसी रचना में परिवर्तित हो जाते हैं, इसे ही गुणसूत्र कहते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती है। अगला क्वेश्चन देखें क्या कि अनुवांशिकी के संदर्भ में डीएनए का अर्थ क्या होता है। तो क्या होता है डीएनए का अर्थ, तो देखिए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें क्या कि बालों का रंग डैश के कारण होता है, तो बताना है कि बालों का रंग किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है, मेलानिन के कारण होता है, ठीक है। देखिए बालों का रंग मेलानिन के कारण होता है। मेलानिन एक प्राकृतिक रंग द्रव यानी कि पिगमेंट होता है जो अधिकतर जीवों में पाया जाता है, सिवाय किसमें, मकड़ी को छोड़कर, ठीक है, यानी कि स्पाइडर को छोड़कर। जीवों में मेलानिन का सबसे अधिक पाया जाने वाला रूप जो है वो यूमेलानिन होता है जो काले भूरे रंग का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कि प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक डैश का निर्माण होता है, तो किसका निर्माण होता है, तो एमआरएनए का निर्माण होता है, ठीक है। देखिए प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एमआरएनए का निर्माण होता है। ये आरएनए के वे क्रियात्मक अणु होते हैं जिनमें प्रोटीन संश्लेषण की संकेत सूचनाएं डीएनए के जीन्स में ट्रांसक्रिप्शन द्वारा हस्तांतरित होती है। एमआरएनए अणुओं का नामकरण जो है 1961 में किसने किया था, तो फ्रांसिस जेकब तथा मोनार्ड द्वारा किया गया था। एमआरएनए को संदेशवाहक यानी कि मैसेंजर आरएनए कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कि प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक डैश का निर्माण करना होता है, किसका निर्माण करना होता है, तो डीएनए कॉपी का निर्माण करना होता है, ठीक है। देखिए प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक डीएनए कॉपी का निर्माण करना होता है, जबकि डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है, यद्यपि इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में भी मिलती है। सन 1953 में जेडी वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल का प्रतिपादन किया था। उसके बाद कौन है, पुन जोर्गज डीएनए को किसी परपोषी में परिवर्तित करने को डीएनए क्लोनोन, जीन क्लोनोन या फिर अनुवांशिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्या कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है, तो यहाँ पे गलत कथन चुनना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या था, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये तो सही है, ठीक है। उसके बाद यह गुणसूत्र में उपस्थित होने वाला रासायनिक तत्व है जो अनुवांशिक गुण वहन करता, ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड डीएनए की ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई है जो दो अवयवों से मिलकर बनी होती है, ठीक है, तो यहाँ पे यही गलत हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपके ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए का पूर्ण रूप होता है, ठीक है, जो कि केंद्रक में होता है और इसके न्यूक्लियोटाइड अणुओं में पेनवेज शर्करा यानी कि डीऑक्सी राइबोज, नाइट्रोजनीय क्षार, एडिनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये और थाइमिन, फॉस्फोरिक अम्ल, ये सब होता है, ठीक है। डीएनए गुणसूत्र में उपस्थित होने वाले ये तीन रासायनिक तत्व होते हैं, अनुवांशिक गुण वहन करता है ये सब, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन सी का उसका गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कि एंजाइम मूलतः होते हैं, तो एंजाइम क्या होते हैं, बताए थे एंजाइम एक प्रोटीन होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो एनोटेशन कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को एनोटेशन कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कि प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को डैश कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो जीन कहा जाता है, ठीक है। देखिए प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को जीन यानी कि वंश कहते हैं। जीन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें सन्निहित कूटबद्ध सूचनाओं से अंततः प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य संपन्न होता है। यह अनुवांशिकता की मूलभूत इकाई होती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कि डैश डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है, तो कौन हो जाएगा, वंश हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कि आरएनए का पूर्ण रूप क्या होता है, तो क्या होता है, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। देखिए आरएनए का पूर्ण रूप क्या होता है, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए एक या एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड से बना एक पॉलीमेरिक अणु होता है। एक न्यूक्लियोटाइड में एक नाइट्रोजनीय क्षार, एक राइबोज शर्करा तथा एक फॉस्फेट शर्करा होती है। इसमें पिरामिडीन, थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल भी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। देखिए मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व ऑक्सीजन है। मानव शरीर में मुख्यतः 6 तत्व पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में कितना होता है, 65% होता है। उसके बाद अन्य तत्वों में जैसे देखिए कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, उसके बाद कैल्शियम जो है 2% और फॉस्फोरस 1% पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रोटीन डैश का एक अभिन्न अंग है तो किसका है, तो देखिए एंटीबॉडी, एंजाइम, कोशिका जेली सभी का एक अंग है, ठीक, यानी कि आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रोटीन, एंटीबॉडी, एंजाइम और कोशिका झिल्ली का एक अभिन्न अंग होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा दूध का प्रोटीन है, तो यहाँ पे बताना कि दूध का प्रोटीन क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, केसीन हो जाएगा, ठीक है। देखिए केसीन दूध का प्रोटीन होता है, केसीन प्रोटीन एक फॉस्फो प्रोटीन होता है जिसमें सभी आवश्यक एमिनो एसिड होते हैं जो आमतौर पर स्तनधारियों के दूध में पाया जाता है, ठीक है, या गाय के दूध में लगभग 80% तथा मानव में 20% पाया जाता है जो हमारी मांसपेशियों के लिए काफी ज्यादा आवश्यकता भी होता है, ठीक है। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स, इस टॉपिक में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता था, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, तो मैंने इसमें कवर कर दिया है। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो उसको लाइक करें, दोस्तों के पास भी शेयर कर दें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।